तो वेलकम टू माय चैनल। मैं शत्रुघ्न शर्मा। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ने बता रहा है कि एक व्यक्ति जो है 1350 रुपया में 2 ठो घोड़ा को खरीदता है, ठीक है, और वह एक घोड़ा को 6% हानि सहकर बेचता है और दूसरे को 7.5% लाभ लेकर बेचता है। मतलब 1350 रुपया 2 घोड़ा खरीदा और उस पर आपको बता रहा है कि एगो को लॉस में बेचा है और एगो को प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी, मतलब प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है कि प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। यदि पूरे पर कारोबार में ना तो लाभ और ना ही उसे हानि हो, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में अगर क्वेश्चन दिया रहे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग बताते हैं इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहले घोड़े की कीमत निकालने के लिए पहले घोड़े की क्रय मूल्य, पहले घोड़े की क्रय मूल्य, पहले घोड़े की क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी आपको जब भी निकालना रहे तो याद रखिए जो 2 घोड़ा खरीदा है उसे आप लिख लीजिए। कितना में खरीदा है आपके 2 घोड़ा? 1350 रुपया में खरीदा है, ये 1350 रुपया लिख लीजिए। उसके बाद आपको पहले घोड़े का जो कीमत निकालना बोलेगा तो उसका ऑपोजिट जो सेकेंड घोड़े को 7.5% लाभ है उसे लिखिए। यहाँ पर देखिए 7.5% लाभ है या हानि भी हो सकता है, तो चाहे लाभ हो या हानि हो जब पहले घोड़े के बोला जाए तो 7.5% मतलब दूसरे वाले को ले लेंगे। और उसके बाद इस प्रश्न में जो परसेंटेज में दिया हुआ है 6.5% और 7.5%, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 प्लस 7.5। अब क्या कैलकुलेशन होंगे, 1350 × 7.5 और 7 × 6 = 13.5। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, ये इसे काट दिए एक बार में, यानी कि आपकी 750 रुपया। आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य आप जब आपको 750 मिल गया तो दूसरा घोड़ा का क्रय मूल्य कितना होगा, 1350 में आप 750 घटा दीजिए। लेकिन चलिए देखिए दूसरे घोड़े को कैसे निकालिएगा। इसी प्रकार से दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य मतलब सीपी कैसे निकाला, वही चीज दोनों के लिए कितना रुपया दिया हुआ है, दोनों के लिए आपको दिया है 1350। जब आपको दूसरे घोड़े को निकालना है क्रय मूल्य तो आप क्या कीजिएगा, पहले वाले को ले लीजिएगा परसेंटेज, मानी पहले वाले को 6% हानि यहाँ दिया, यहाँ लाभ भी बोल सकता है, तो इसलिए हम लोग पहले वाले को ले लेंगे 6। उसके बाद यही प्रश्न है को क्या करने के, दोनों को जोड़ दीजिएगा परसेंटेज, यानी कि 6 प्लस 7.5, 1350 × 6 इसे जोड़िएगा तो 13.5। देखिए ये पॉइंट ऊपर गया 10 हो गया, 135 135 कट गया, ये 0, यानी कि आपका हो गया कितना, 6 1 0 600, यानी कि दूसरे वाले की कीमत निकल गया 600, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ सॉल्व किया हुआ। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।